Dear students, today we will learn about Calvin cycle. It is also known as C3 photosynthetic pathway or dark reaction or light independent reaction. तो जो light independent reaction है इसको biosynthetic phase भी कहते हैं. इसका मतलब ये है कि इस reaction के end के अंदर लाजमी तौर पर कोई कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल या एनर्जी कंटेनिंग मॉलिक्यूल बन रहा होता है. तो जैसे कि आप लोग अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गेट विद 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, जिसके नतीजे के अंदर C6H12O6 बनता है, जिसको ग्लूकोज भी कहते हैं, और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स भी बनते हैं जो कि एज ए बाई प्रोडक्ट रिलीज हो रहे होते हैं. अगर हम लाइट रिएक्शन को इन जनरल देखें वो क्या होता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और फोटोन द वाटर मॉलिक्यूल गेट स्प्लिट्स इनटू हाइड्रोजन और यू कैन से प्रोटॉन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. और जो लाइट जो आपके लिए लाइट रिएक्शन है, जो इसका जो सबसे एंड प्रोडक्ट होते हैं वो बेसिकली दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो होते हैं NADPH और ATP. ATP अगेन इट इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी एंड NADPH यू कैन से इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट. तो जो ये दो मॉलिक्यूल हैं NADPH और ATP, यही मॉलिक्यूल यूज हो रहे होते हैं एज ए प्रिकर्सर इन डार्क रिएक्शन. डार्क रिएक्शन, अब इसको डार्क रिएक्शन नहीं कहा जाता क्योंकि अब लेटेस्ट तहकीक के मुताबिक पता लगा है कि ये रिएक्शन जो हो रहा होता है ये लाइट की मौजूदगी और लाइट की गैर मौजूदगी दोनों में हो रहा होता है. तो जो प्लांट के अंदर नेचुरल तौर पर 5 कार्बन कंपाउंड मौजूद होता है, जैसे ही वो जो सेल के अंदर 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है एटमोस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करता है तो उसके नतीजे में बना लेता है 6 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल, जो कि बड़ा डेलिकेट होता है, बड़ी जल्दी ही दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है. तो जब दो हिस्सों में तकसीम होता है तो उसके नतीजे में तीन तीन मॉलिक्यूल वाले दो कार्बन कंपाउंड बन जाते हैं. तो जो अब जो बनेगा 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड और मॉलिक्यूल, दैट विल बी अ स्टेबल मॉलिक्यूल, और इसी ही की वजह से इसको कहा जाता है C3 फोटोसिंथेटिक पाथवे. सो द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन occurs through a cycle of reaction which we called a Calvin cycle. And in this Calvin cycle, the carbon dioxide is fixed first and then it's reduced into carbohydrates like glucose. So sometimes these reactions are also called carbon reaction, and this Calvin cycle occurs in the stroma of chloroplast. So basically, the Calvin cycle is divided into 3 phases. The first phase is called carboxylation phase. After this, we have reduction phase, and after reduction phase, we have regeneration phase. In carboxylation phase, the carboxylation of RuBP occurs by carbon dioxide molecule. So we see in the carboxylation phase, the carbon fixation occurs by the RuBP molecule. And then there is a reduction of 3-phosphoglycerate to glyceraldehyde 3-phosphate. And this reaction is done by a reducing agent which is called NADPH. And finally, we have regeneration phase where the RuBP, that is ribulose biphosphate molecule, is regenerated to continue the cycle. So, aap logon ne dekha ke जो केल्विन साइकिल है उसकी बेसिकली 3 फेज हैं. पहला फेज कार्बोक्सिलेशन फेज, उसके अंदर क्या होगा कि विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोक्सिलेशन ऑफ आरयूबीपी विल अकर. एंड देन फिर हमारे पास आता है रिडक्शन फेज, जिसके अंदर फॉस्फोग्लाइसरेट की रिडक्शन होती है इनटू ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, और ये किसके मौजूदगी में होगी, NADPH की मौजूदगी में होगी, जो कि आप बताते खुद एक रिड्यूसिंग एजेंट है. और आखिर में हमारे पास है रीजनरेशन फेज. इट मींस द रीजनरेशन ऑफ RuBP विल अकर टू कंटिन्यू द साइकिल. सो वी स्टार्ट द रिएक्शन फ्रॉम अ मॉलिक्यूल कॉल्ड राइबुलोज 1,5-bisphosphate. बेसिकली इट इज 5 कार्बन कंपाउंड, और जो आपको सर्कल नजर आ रहे हैं ये कार्बन के एटम्स को शो किया जा रहा है. And in this reaction, 3 molecules of RuBP take part. So from this point, we can calculate the
टोटल नंबर ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल बिकॉज इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. सो वी हैव एज यू सी वी हैव थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ RUBP एंड RUBP इज बेसिकली अ फाइव कार्बन कंपाउंड विच मीन्स इन टोटल वी हैव 15 कार्बन. एंड हाउ वी हैव 15 कार्बन, सिंपली 3 मल्टीप्लाई बाय 5 वी गेट 15. सो वी सी थ्री कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल रिएक्ट विद राइबुलोज 1,5 फॉस्फेट. द थ्री कार्बन मीन्स द साइकिल रन्स 3 टाइम्स ईच एंड इन दिस रिएक्शन इट इज कैटलाइज्ड बाय एन एंजाइम व्हिच इज नोन एज रुबिस्को. एंड फ्रॉम दिस रिएक्शन वी हैव द सिक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट व्हिच इज बेसिकली अ 3 कार्बन कंपाउंड. तो यहाँ पर हमारे पास टोटल कार्बन के मॉलिक्यूल हो गए हैं 18. जैसे कि हमने पहले किया था, पहले स्टेप के अंदर हमारे पास टोटल थे 15 कार्बन के एटम्स. यहाँ पर हमारे पास टोटल है 18 कार्बन मॉलिक्यूल्स. वो 18 कैसे, क्योंकि जो 3 फॉस्फोग्लाइसरेट है वो बेसिकली खुद एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, लेकिन इसके हमारे पास 6 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर मौजूद होते हैं. तो 6 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 18. सो इस स्टेप तक हमारे पास 18 कार्बन मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं. एंड आफ्टर दैट द 3 फॉस्फोग्लिसरेट गेट्स कन्वर्टेड इनटू 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट. एंड इन दिस रिएक्शन 6 ATP मॉलिक्यूल्स आर यूज्ड एंड द रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज. एंड इन दिस स्टेप द कंपाउंड फॉर्मड हियर आल्सो कंटेन 18 कार्बन which is same as in 3 phosphoglycerate. After this, reduction phase starts. There is reduction of 1,3 bis phosphoglycerate into glycerol aldehyde 3 phosphate. And this reduction is mediated by NADPH, that is the reducing agent in Kelvin cycle. And you get the molecule that is glycerol aldehyde 3 phosphate. Basically, it is a 3 carbon compound and you get 6 molecules of carbon atom. And again, in total, we have 18 carbon atoms. And this reaction of reduction is catalyzed by glycerol aldehyde 3 phosphate dehydrogenase enzyme. So now, one molecule of glycerol aldehyde 3 phosphate forms a triose phosphate which later on synthesize carbohydrate molecules. So now the remaining 5 molecules of glycerol aldehyde 3 phosphate contains in total 15 carbon atoms, and it is this glycerol aldehyde 3 phosphate which is used to regenerate ribulose bis 5 phosphate to continue the cycle. So after this the cycle will run again. And it will make another triose phosphate that will combine with the previously formed triose phosphate molecule to give us a 6 carbon molecule, that is glucose. So this is how the Kelvin cycle works to synthesize a single glucose molecule.